नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 4 सितंबर 2022 और यहां पे 3 सितंबर 2022 यानी कि सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे आपके सवाल मेरे जवाब के सीरीज में जो कि हर सैटरडे को ऑन होता है, तो उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करके मैं जवाब लेकर हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सवाल भेजे ना, शायद लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट क्या प्रोसेस है, किस तरह से भेजना चाहिए, ताकि थोड़ा मेरा भी सुविधा का ख्याल रखिए, मेरे भी प्रोसेस का ध्यान रखिए। और आप लोग अपना सवाल भेजते हैं तो मैं कलेक्ट करने में कोई कमी नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको भी अपना सवालों का जो प्रोसेस है ना उसको सुधार के भेजना है, ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। लोग मैं देखा मैंने किसी ने अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उठा के भेज दिया है ना, पूरा का पूरा मैंने स्क्रीनशॉट खींचा, उनको तो कुछ करना नहीं, क्लिक स्क्रीनशॉट कर किया और भेज दिया। वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वो प्रोसेस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब मान लीजिए 20 साल पहले का कोई पोर्टफोलियो और उसमें 500 स्टॉक हो गया जमा किसी का, अब मैं उसको कैसे देखूंगा, पॉसिबल है नहीं है ना। 10-10 साल पुराना स्टॉक है, उसमें 40-40 स्टॉक है, कैसे देखूंगा। उसके लिए एक अलग सीरीज करूंगा जिसमें आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। मैंने बीच में किया भी था कि किसी को अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करवाना हो तो मुझे आप भेज सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया था उसका। लेकिन लोग उस वक्त जितने लोगों ने भेजे थे मैंने सबका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया था। इस सीरीज में क्या होता है कि इतने लेंदी हो जाता है ये प्रोसेस, इतना पोर्टफोलियो, मान ली 40 स्टॉक के बारे में अगर मैं इस वीडियो में बताना स्टार्ट करूंगा तो पूरा दिन रात हो जाएगा इसी वीडियो को बनाते बनाते। बस आप समझ रहे हैं ना, ये टेक्निकली चीज है, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है सामने वाले के लिए, और मैं तो ध्यान रखता ही हूँ। तो चलिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा सवाल ले सकूं और आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 182 एपिसोड, और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल है जुबेर कुरैशी जी ने सऊदी अरेबिया से लिखा है। देखिए, सऊदी अरेबिया से इन्होंने क्या लिखा ये समझ लेते हैं। इनका सवाल है कि जब ब्रोकर रन वे यानी कि भाग जाए तो डीमैट अकाउंट में जो शेयर है उसका क्या होगा, पीओए की अथॉरिटी ब्रोकर को नहीं देते हैं तो। दूसरा, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी ब्रोकर के पास होती है, क्या ब्रोकर विदाउट पीओए के शेयर सेल कर सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस का सेबी रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है कि आपके शेयर का क्या होता है अगर आपका ब्रोकर भाग जाएगा तो। आप उस वीडियो को देखिए जुबेर साहब, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, शेयर ब्रोकर क्या है ना, सिर्फ एक माध्यम है, ब्रोकर सिर्फ एक माध्यम है आपका शेयर आपके डीमैट में रखने के लिए और डीमैट से बाहर निकाल के सेल करने के लिए, वो सिर्फ एक माध्यम है। ब्रोकर के पास आपके शेयर नहीं होते हैं, पहली बात समझिए। ब्रोकर का कभी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक मैसेज आता होगा CDSL और NSDL का, समझ रहे, CDSL और NSDL का एक मैसेज आता होगा। वो मैसेज क्या है, वो मैसेज ब्रोकर का नहीं है बल्कि वो आपके लॉकर का है, शेयर का लॉकर। आपने खरीदा, ब्रोकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। जैसे क्या क्या होता है कि जमीन खरीदते हैं तो जमीन ब्रोकर बीच में होता है, इस तरफ जमीन है, यहाँ आप है, तो ब्रोकर वो जमीन आपको दिलाता है किसी थर्ड पार्टी से, यानी कि ब्रोकर के पास वो जमीन नहीं है बल्कि किसी थर्ड पार्टी के पास जमीन है, वो ब्रोकर आपको दिला रहा है, ब्रोकर सिर्फ मीडिएटर है। ब्रोकर हट जाएगा तो जमीन आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि नहीं पार्टी से, सेम कंडीशन है यहाँ पर भी। आपका जो शेयर है ना, आपका जो सारा शेयर है वो आपके लॉकर में चलाता है, लॉकर का नाम होता है CDSL और NSDL, जिसको कि आप लोग डीमैट अकाउंट बोलते हैं ना, वो डीमैट अकाउंट एक तरह का CDSL के पास लॉकर होता है, सारे शेयर वहीं जमा होता है। अगर ब्रोकर भाग भी गया कोई दिक्कत नहीं, CDSL और NSDL के पास, जिसके पास भी आपका वो लॉकर है वहाँ सुरक्षित है, और वो गवर्नमेंट का, उसमें टेंशन आपको नहीं लेना रहता है, वो पूरा सिक्योर रहता है, तो आपके शेयर सेफ रहते हैं, आपको वो शेयर आपको मिल जाता है। आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं किसी अदर ब्रोकर के पास और आप अपने NSDL या CDSL को जाके बोलेंगे कि भाई मैंने, मेरा ब्रोकर तो भाग गया और मेरा जो है शेयर मुझे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, तो वो आपके कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा, वो शेयर आपके उस अकाउंट में
चला जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकर बिना पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के शेयर सेल नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्रोकर लोगों ने अब क्या कर दिया, पहले क्या करता था कि पीओए दे देते थे तो वो कभी भी बेच सकता था शेयर, अब पीओए नहीं देता तो उसके जगह पे उसने टी पिन का, सरकार ने सेबी ने कहा कि आपको पीओए साइन कराने का कोई जरूरत नहीं है, आप टी पिन का ऑप्शन दे दीजिए, जिसको सेल करना हो वो टी पिन जनरेट करके सेल कर लेगा, तो वो सेल नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपको आपने मार्जिन फैसिलिटी यूज किया हुआ है यानी ब्रोकर का पैसा आपने यूज किया हुआ है, तो ब्रोकर आपसे एक रिक्वेस्ट यही करता है कि भैया मेरा जो है पैसा माइनस में जाने वाला है, आपका मार्जिन खत्म होने वाला है, तो जैसे ही मार्जिन आप ट्रेड करेंगे ना तो मार्जिन आपसे प्लेस करवा लेता है यानी गिरवी रखवा लेता है। वो शेयर क्या करता है, आप देखेंगे एक मैसेज आएगा जब आप कोई भी ई मार्जिन में ट्रेड करेंगे या मार्जिन में ट्रेड करेंगे तो आपको एक शाम में एक मैसेज आएगा या अगले दिन मैसेज आएगा एनएसडीएल और सीडीएसएल के द्वारा प्लेज करने का, कहता कि प्लेज कर दो। अगर आप प्लेज नहीं करोगे, ब्रोकर का पैसा यूज किया और तुमने प्लेज नहीं किया, गिरवी नहीं रखा, तो ये फिर वो खुद काटने का अधिकार उसको मिल जाता है। अगर आप प्लेज कर देते हैं तो वो परेशानी नहीं होती है। तो बिना पीओए के वो सेल नहीं कर सकता है, ये तो पक्का है। टीपी उसके लिए जनरेट करना पड़ता है। अब है दूसरा कि अगर वो ब्रोकर भाग जाता है तो आपको पता ही है कि वो वहां पे आपको पैसे मिल जाते हैं। अब जो अंतिम सवाल है आपका दोस्तों जुबैर जी का, जो अंतिम सवाल है, इन्होंने लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितने बैलेंस का सेबी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जी बिजनेस का एक मुहिम चला था ऑपरेशन डीमेट डाका, उसमें उन्होंने पीड़ित लोगों से जिनके साथ हैकर लोगों ने उनका बैलेंस और शेयर के साथ खिलवाड़ किया था, तो उसके बारे में भी वहाँ साफ था वहां पर कि वो गए थे कंप्लेंट करने, लेकिन उनको कहीं कोई रिफंड कहीं कोई अमाउंट नहीं मिला। तो दैट मीन्स ये क्या है कि सेबी आपके बैलेंस का ये क्यों होगा रिस्पॉन्सिबल? आप शेयर करते हैं ना, ट्रांसफर शेयर रखते हैं ना, वो शेयर जो फ्रॉड होता है उसके बारे में, उस फ्रॉड के लिए जो है वहां पे कुछ नियम लगाए गए कि भाई अगर आपका फ्रॉड हुआ है आप कंप्लेन करिए, उसको पकड़ने को आपको वो शेयर सेबी अपने घर से लाके नहीं देने वाला है, बात समझ रहे? तो आपके अमाउंट का वहां पे कोई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, बैंक वाला जैसे अलाउ होता है ना कि बैंक में अभी शायद है कि 5 लाख का है ना, कि 5 लाख तक का आपका एक तरह का इंश्योरेंस हो जाता है, आपके एक अमाउंट रखा हुआ है तो 5 लाख तक का, मान लीजिए 50 लाख भी रखा है तो भी 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, और 1 करोड़ रखा है तभी 5 लाख का इंश्योरेंस, मतलब कि आपको 5 लाख तो मिल ही जाएगा, इस टाइप का चलता है ना सर बैंक में। यहाँ ऐसा अभी तक सुनने को तो नहीं मिला है, हो सकता है मुझे नॉलेज यहाँ पे ना हो या मैं अपडेट ना हूँ इस बारे में। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नियम यहाँ पे नहीं है कि सेबी आपके बैलेंस का रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चीजें नहीं हो पाया अभी तक, तो शायद नहीं आया मेरे संज्ञान में। अगर आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा कोई नियम आ गया है कहाँ जहाँ पे सेबी आपके बैलेंस का रिस्पॉन्सिबल लेता है, मेरे ख्याल से नहीं। तो जुबैर जी, ये वाला चीज अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है, अगर आता है तो फिर मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो ये सऊदी अरेबिया से जुबैर कुरैशी साहब हैं। अब अगला सवाल की तरफ बढ़े, दीपक जी पलवल हरियाणा से इनका अगला सवाल है। अच्छा, मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूंगा कि अगर आपने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही वहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, जेरोधा, फायर, सैमको, एलायंस ब्लू, एंजल वन, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। लाइव ट्रेडिंग रूम सितंबर 2022 का इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। 13 सितंबर से सेशन स्टार्ट होगा लाइव ट्रेडिंग रूम का, और उसके पहले 2-3 दिन पहले वो बंद हो जाएगा इनरोलमेंट। तो जिनको भी लेना हो इनरोलमेंट, वो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये चीजें तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब दीपक जी का सवाल देख लेते हैं। दीपक जी लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग को सिंपल कैसे बनाया जाए, क्या ओवर एनालिसिस नुकसानदायक है? सर, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि सुधार तो प्रैक्टिकल अप्रोच से होता है, हम ओनली इन्फो स्टोर करते जाएं सुधार करके, जैसे ज्यादा बुक रीड करना। सर, ट्रेडिंग एज क्या है और क्या ट्रेडिंग सीक्रेट भी होता है? स्टॉक मार्केट बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, उसकी प्रोसेस देखिए। बहुत ही बढ़िया, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग ये तो है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग को सिंपल ट्रेड कैसे बनाया जाए? कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग कभी होता है सर, मान लीजिए किताब आपने से खोला, ठीक ना, अब ये किताब कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किताब जिसको आ रहा है उसके लिए तो सिंपल है। तो इसका मतलब वो कैसे आया दीपक जी, उसको कैसे आया? क्या वो माँ के पेट से सीख के आया? नहीं। क्या उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई? नहीं। क्या उसको किसी ईश्वर ने वरदान दिया? नहीं। उसने उसके पीछे मेहनत किया, उसने उसके पीछे पूरा उस कॉम्प्लेक्स चीज को रीड करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे चीज को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट किया। और सबसे पहले बात कि आपको रॉकेट साइंस से दूर रहना, मैं इस वर्ड को पूरे जीवन नहीं छोड़ने वाला। लोग चाहे मुझे इसके पीछे गाली देता फिरे कि ये बार बार रॉकेट साइंस बोलता है,
मैं सबको बारे में कहता हूँ, 90% लोगों के दिमाग में रॉकेट भरा हुआ है। रॉकेट से आप मंगल पे चले जाइए, चांद पे चले जाइए, शेयर मार्केट में काम नहीं आएगा ये रॉकेट। आपको यहाँ पे नॉर्मल चीजें करनी है। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है आपके पता है? क्योंकि आपने वो वीडियो देखा हुआ है, 5,000 लगाओ 50,000 कमाओ, 2,000 लगाओ दिन के 10 मिनट में 20,000 कमाओ, 1,000 लगाओ कभी नहीं होगा, नो लॉस स्ट्रेटेजी आ गया है ऐसा कि अब किसी का बाप भी एसएल नहीं काट सकता। ऐसे ऐसे वीडियो आपने देखे हुए हैं, वो कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है आपके दिमाग में। सारे लोगों के दिमाग में वैसे सब वीडियो के हेडिंग स्क्रीन वो कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चीजें हमेशा सिंपल होती है, सिंपल होती है। मैं तो इतना सिंपल होता है कि जैसे खाना खाते ना, जस्ट लाइक ट्रेडिंग, वैसे ही सिंपल। आपने मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा, कहाँ कोई कॉम्प्लेक्स काम करता हूँ, बस यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे एसएल लगा लो, कटा एसएल घर, बाय प्रॉफिट आया घर। तो ये सिंपल चीजें होती है, आपको ये चीजें समझना होगा और इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में पहले आपको बंदूक थमा दिया जाता है कि चलो चला बंदूक, क्या आसान होता है बंदूक चलाना? नहीं होता है। तो उसको प्रैक्टिस करता है तभी तो वो बंदूक चला पाता है, फिर धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। बंदूक को खोलना मैंने डिसमेंटल कर देना और फिर बंदूक को तुरंत से असेंबल कर देना, क्या वो आसान होता है? नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करवाता है ना डिसमेंटल और असेंबल का, तभी तो वो सिंपल होता है। तो वो भी पहले कॉम्प्लेक्स ही होता है, उसके बाद वो सिंपल होता है, तो वो प्रैक्टिस का चीज है। दूसरी बात है ओवर एनालिसिस। देखिए अति सर्वत्र वर्जित, हमारे संस्कृत में पुराणों में कहावत है, पुराणों में ये लाइन लिखा गया और आज भी वो अप्लीकेबल है। अति सर्वत्र वर्जित यानी कि किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसानदेह है। दारू छोटा छोटा पीजिए, छोटा छोटा पैक लीजिए, दवाई का काम करेगा नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से। ज्यादा पी लीजिए तो नाली में मिलेंगे आप, समझ रहे बात? दारू पैक हल्का हल्का लीजिए तो दवाई के जैसा काम करेगा, ज्यादा पी लीजिए तो नाली में मिलेंगे आप अगले दिन। सेम अति किसी भी चीज का खराब है। गुस्सा एक लिमिट तक सही है, ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको पिटाई लग जाना है, सामने वाला दो देगा पकड़ के। अति हर जगह का थोड़ा थोड़ा बेईमानी चलेगा, ज्यादा बेईमानी करने लगेंगे तो सरकार धर लेगा आपको पकड़ के। अति सब जगह गड़बड़ है। हल्का खाना खाइए चलेगा, थोड़ा थोड़ा खाइए चलेगा, एक बार में पूरा कंठ तक कोंच के खा लिए तो गैस शुरू हो जाना है, पेट दर्द शुरू हो जाना है। अति सर्वत्र वर्जित यानी कि किसी भी चीज का ओवर जो हो जाना वो हर जगह वर्जित है, इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे भी ओवर एनालिसिस नहीं करना है, सिंपल एनालिसिस करना है, क्लियर है ना? ट्रेडिंग एज क्या है? कोई एज नहीं होता है, वो एज EDG एज मतलब होता है किनारा, मतलब किसी भी चीज का किनारा, मतलब एक ऐसा किनारा, एक ऐसा जगह उसका उसका एज बहुत सॉफ्ट है, उसका एज बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि उसका स्किल बहुत अच्छा है और वो स्किल क्या होता है? ट्रेडिंग स्किल है ना, तो ट्रेडिंग एज हो जाता है उस तरह से। तो आपको वो स्किल समझना है, वो एज नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। और दूसरा आपने जो लिखा ना कि ट्रेडिंग सीक्रेट भी होता है, सर काश ऐसा होता, काश कि ऐसा होता तो फिर हम सब वही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय पे जाते, उस ट्रेडिंग सीक्रेट को ध्यान मग्न हो जाते और हम लोग कहते हे सेबी देवता, हे ग्राहम देवता, हे बेंजामिन देवता, हे वारेन देवता, कुछ मुझे वो सीक्रेट थमा दो, है ना, वो सीक्रेट का वरदान मुझे दे दो। ऐसा नहीं होता है मालिक। ट्रेडिंग सीक्रेट आपके अंदर, कोई भी सारे लोगों के अंदर वो सीक्रेट है, बस उसको आपको बाहर निकालना होता है। और वो अपने अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच से और प्लस पेशेंस। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3 सिंपल स्टेप्स 3 सिंपल टिप्स करके, है ना, आप देखिए उस वीडियो को, उसमें आप कैसे अपने ट्रेडिंग को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने एनालिसिस को ठीक कर सकते हैं और कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। रही बात आपका स्टॉक मार्केट बिजनेस कैसे खड़ा जाए, इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए। मैं खुद एग्जाम दिया, पास हुआ, मैं CRTA का मतलब होता है सर्टिफाइड रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिस्ट। तो मैं उसके लिए एग्जाम दिया, मैं पास हुआ और अब मैं पूरा उसका बोर्ड लगा के घूमता हूँ कहीं को, तो मेरा पर्सनल विजिटिंग कार्ड वगैरह भी है, अब कहीं कोई टेंशन नहीं होता। तो उसके लिए वो बिजनेस मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, बिजनेस। मैं किसी को भी बता सकता हूँ, फी ले सकता हूँ बताने का, कि भाई मैं बता रहा हूँ मुझे फी, अगर मैं अब बिना उसके अगर फी लेने लग जाऊंगा ना, बताने लग जाऊँ तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, बात समझ रहे? तो उसके लिए क्या है ना, पढ़ाई इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ाई कर पाते हैं, अगर आप उसके पीछे लगन पड़ते हैं, तो हर चीज का एग्जाम होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपको भले ही बहुत नॉलेज हो, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, उस नॉलेज का कहीं कोई वैल्यू नहीं मिलता है। कॉलेज में चले जाइए, कहेगा सर्टिफिकेट लेके आओ, स्कूल में चले जाइए, कहेगा सर्टिफिकेट लेके आओ, जॉब के लिए चले जाइए, कहेगा सर्टिफिकेट लेके आओ। वो सर्टिफिकेट, वो कागज का एक टुकड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी के लिए पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई से स्टार्ट करिए और उसके बाद आप उसको एग्जाम वगैरह दीजिए। NEC के बहुत एग्जाम होते हैं, सेबी के एग्जाम होते हैं, उसके बाद आप उसको बिजनेस पर्पज से खड़ा कर सकते हैं सर। तो ये है दीपक जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगला सवाल,
अगला सवाल है, मिहिर कुमार दास जी वेस्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, सर बधाई देता हूँ प्यारी निश की बर्थडे के लिए। अच्छा अच्छा, वो मेरी बेटी का जन्मदिन था शायद उसी 29 अगस्त को, उसी के लिए बर्थडे दे रहे हैं बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर जी। अब ये लिख रहे हैं, सर अनंत राज को 85 पर लिया है स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा 85 पर लिया है, 85 के स्टॉप लॉस के साथ लिया है सीएमपी पे, ठीक है 85 का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं सीएमपी पे बाय, तो टारगेट कितना होगा ये लेना चाहते हैं। और आल्सो कमेंट ऑन अक्षर केमिकल। ओके सर, तो अनंत राज को 85 के स्टॉप लॉस के साथ सीएमपी पे लेते हैं। तो चलते हैं अनंत राज, और ये आ गया 85 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ तो इस पर तो मैंने बताया था आपको, ये ब्रेकआउट जब मिले 85 के ऊपर तभी लेके जाना है, 85-90 के ऊपर बहुत बढ़िया। अभी जो है ना आपको 85 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना होगा, आपको 77 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 77 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर टारगेट 120 तक के जाने के बन सकते हैं अनंत राज में, इसका ध्यान रखना है। दूसरा है अक्षर केमिकल। ये देखिए देखिए बहुत ही शानदार, देखिए मेरा ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है, देख रहे हैं यहाँ पे लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, एकदम मेरे रडार पे था सर, और मैंने इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके का पोजीशन क्रिएट किया और बहुत ही अच्छा काम किया, तो मेरे रडार पर आया हुआ है। और ऑलरेडी आप बने रहिए क्योंकि इसने ना एक अच्छा ब्रेकआउट किया है 3 से 4 महीनों का, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, ये मंथली चार्ट है। तो ये हो गया आपका मई मंथ, ये हो गया जून जुलाई अगस्त, तो ये 4 महीने के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप जो है अक्षर केमिकल पे इसके मान 375 से 376 के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज 328 से 330 के आसपास मिले तब भी आप पोजीशन बना सकते हैं अक्षर केमिकल में। एक बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है अक्षर केमिकल में। तो ये है मिहिर जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, ये देखिये राजकोट गुजरात से लिख रहे हैं, अब इनका नाम तो यश है, यश पाडिया करके इनका नाम है इन्होंने, लेकिन लिखा नहीं, हालांकि ऊपर वाले पार्ट में बात हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि नाम जरूर लिखा करिए। यश पाडिया इनका नाम है, राजकोट गुजरात से ये लिख रहे हैं, सर ये बहुत पुराना पोर्टफोलियो है मेरे पापा का, अभी ये धनुष टेक्नोलॉजी साइट डिलीस्ट हो गया है, अभी इसका क्या करें। जो डिलीस्ट हो गया, खत्म हो गया, सीधी सी बात है डिलीस्ट है ना, अब वो डिलीट हो गया, लिस्ट क्या हुआ डिलीट हो गया, खत्म हो गया, उसको भूल जाइए, वो अब आपका है ही नहीं। डिलीस्ट होने से पहले आपको मैसेज मेल सब आता है, अगर आप वो कर पाते हैं, अगर उसको अप्लाई करिए, आपको डिलीट जैसे कंपनियां ना, अभी जैसे जिंदल फोटो हो गया या एक और को आया था, वो डिलीट करना चाहती है, तो उसके लिए वो ऑफर लेके आती है, वेदांता ऑफर लेके आती है कि भाई मैं डिलीट कर रहा हूँ इतने पैसे पे, अपना इतना पैसा ही दूंगा मैं, और तुम अपना शेयर हमको वापस कर दो, मैं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको उस वक्त आएगा, अगर आप जागरूक होंगे तब तो ठीक हो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, वो खत्म हो गया, उसको भूल जाइए। अब दूसरा है कि सी इन्फो सिस्टम है और डीजी स्पाइस है, इस दोनों में आपके किस प्राइस पे आपने ये 1345 पे लिया, ये 29%, ये दोनों ठीक ठाक स्टॉक है, इसमें रह सकते हैं, बाकी धनुष का कुछ नहीं होगा सर, आप धनुष को भूल जाइए, वो तीर कमान से निकल चुका है। तो अब ये सवाल तो हो गए यश पाडिया साहब का। अगला सवाल है सी के पंडित जी लिख रहे हैं कि TCS, विप्रो, बिरला सॉफ्ट, SCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा 6 महीने के लिए बाय करना चाहते हैं। पर सर कोई भी IT का स्टॉक आप ले लीजिए, IT पूरा सेक्टर ही मैं देखूंगा, अभी सिर्फ IT सेक्टर को देखना है तो उस सारे स्टॉक से आपको पता चल जाएगा। देखिए IT सेक्टर अभी दबाव में चल रहा है सर, है ना, तो जब IT सेक्टर, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ सर, IT सेक्टर 28,100 के ऊपर निकल जाए, जैसे ही 28,100 के ऊपर निकले जाए तो TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा में तो मैंने विप्रो में तो मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल करेंट भाव पे भी 390 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। टेक महिंद्रा पे मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव व्यू है, मेरा इसमें कॉल ऑप्शन भी लिया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल भी रहा है, तो टेक महिंद्रा भी अच्छा है। हाँ नीचे के भाव पे 950 से 980 के आसपास मिले तब और बढ़िया हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर 1070 से 1080 के ऊपर मिलता है तब भी आप ले सकते हैं, 1100 के ऊपर जाने के बाद ये और बेहतरीन मूवमेंट करेगा। बाकी है आपका SCL टेक्नोलॉजी, इस पे तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहा हूँ, SCL टेक्नोलॉजी पे उतना डर भी नहीं रहता, इस स्टॉक में 940 के ऊपर अच्छा मूवमेंट बन जाएगा 940 के ऊपर। TCS शायद 3200 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बन सकता है, अदरवाइज 3050 से 60 के आसपास आता है तब जाके आप पोजिशन बना सकते हैं पंडित साहब। तो ये है सीके पंडित जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं, तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया।
अब अगला सवाल है घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, होप यू फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड फैमिलीज गुड। थैंक यू सर। व्हाट इज ई मार्जिन और एमटीएफ फैसिलिटी? सर एमटीएफ फैसिलिटी और ई मार्जिन इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर है सर। एमटीएफ और ई मार्जिन क्या है, बहुत ही नहीं, ये फायर्स में मार्जिन अवेलेबल है, ई मार्जिन अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले लिखना हाउ कैन बी अवेलेबल इन फायर, फायर्स में मार्जिन, जैसे जब कोई आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, जब कोई आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तब आपको मार्जिन सेलेक्ट करना रहता है अगर आप उसको डिलीवरी में लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ का मतलब यही हुआ। तो अगर आप मार्जिन में ले लेते हैं तो वो आपको डिलीवरी दे देता है, हाँ। और ई मार्जिन क्या होता है, ई मार्जिन होता है कि आपको मान लीजिए 100 शेयर लेने हैं किसी कंपनी के, और वो अच्छी कंपनी का, ऐसा नहीं कि कोई भी चिरकुट कंपनी का, उसका एक लिस्ट होता है मार्जिन में कि जो आपको ब्रोकर यूज कर रहे हैं ना, जैसे HDFC यूज कर रहे हैं, एक्सिस यूज कर रहे हैं या ज़ेरोधा यूज कर रहे हैं, वो एक लिस्ट जारी करता है कि ये सारे स्टॉक जो है ना मेरे ई मार्जिन लिस्ट में शामिल है, मैं आपको इसमें रिबेट कर दूंगा, मैं आपको इसमें लोन दे दूंगा। लोन दे दूंगा मतलब 100 शेयर लेने हैं और 100 रुपये प्रति शेयर के भाव से है तो कितने लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। तो आपको 10,000 नहीं देना है, आपको सिर्फ 30% देना है, 70% मैं दूंगा पैसा, बाकी वो पैसे आप मुझे 90 दिन में रिटर्न कर दीजिए। HDFC वाला 90 दिन में लेता है कि 90 दिन में रिटर्न कर दीजिए पैसा, ठीक है। और जैसे ही आप लेते हैं तो वो 0.04 के हिसाब से ना वो आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है उसमें, आप देखेंगे आपके अकाउंट से हल्का हल्का कटना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको पूरा पैसा करते हैं वो सब सेटलमेंट करके वापस कर देगा, यानी जैसे ही आप बेचते हैं सारा सेटलमेंट करके वापस कर देगा, 90 दिन में आपको उसको कवर कर देना वो सारे पैसे, समझ गए ना। तो वो होता है ई मार्जिन। अब MTF होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, अगर आप उसका यूज कर लेते हैं तो मान लीजिए वो डायरेक्ट आपको डिलीवरी मिल जाता है ऑप्शन और फ्यूचर में, ठीक है। और ई मार्जिन कैश में अप्लाई होता है, क्लियर है ना। तो ये हो गया, और चार्जेस भी मैंने आपको बता दी। अब आप लिख रहे हैं थर्डली, आई एम होल्डिंग टाटा पावर क्वांटिटी 2602, ओके, 77.55 रुपये से टाटा पावर पकड़े हुए हैं 2602 रुपये पे, और ये 3 साल और रखना चाहते हैं तो क्या होगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। चलिए, तो घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ टाटा पावर को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टाटा पावर में तो मैं पॉजिटिव व्यू रखता हूँ, और ये भी मैं कहता हूँ कि भाई जिन लोगों को बने रहना बने रहिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर एक बार 240 से 42 के ऊपर अगर टाटा पावर निकल गया ना सर, तो खुदा कसम ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आप कहेंगे आप खुदा कसम, देखिए मैं सर्वधर्म संभाव का सम्मान रखता हूँ, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें भी बोलता हूँ, भगवान भला करे, खुदा कसम, ये सब चीजें है ना। 240 से 42 के ऊपर निकलेगा तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से टाटा पावर आपको मूवमेंट में रहनेगा। स्टॉप लॉस आप 220 रुपए का चल सकते हैं घनप्रीत साहब, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। तो ये है घनप्रीत जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब देखिए मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसको मुझे अलग से करना पड़ा, इसके वजह से मुझे वो माने बहुत सारे पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया गया। केशव जी हैं इंदौर से, उन्होंने भेजा है, वो मैं आपको पहले पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अब देखिए इन्होंने जो पोर्टफोलियो में 3 फोटो है इन्होंने पूरा भेजा, देखिए ये थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है केशव जी, है ना, इस तरह से ना लोग अगर भेजेंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक सीरीज करता हूँ पोर्टफोलियो एनालिसिस वाला, कभी कभी आप उसमें भेजा करिए। इस तरह में क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है, एक तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाता, दूसरा मैसेज भी आपने सिर्फ एक लाइन लिखा, इसका टारगेट क्या होगा, दूसरी बात है जैसे मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं और मैसेज में आपने क्या लिखा, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा मोबाइल में, मुझे पता चल जाएगा। आपने लिखा ये पुराना हो गया, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया सर, और प्रॉफिट बुक नहीं करने के वजह से जो है अभी लॉस में हूँ, और लॉस में हूँ तो जो है इतना इतना ये हो गया। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ जरा इनका मैसेज, देखिए ये क्या लिख रहे हैं कि मेरे पास ये स्टॉक है, इनको क्या आगे रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, पहले भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया है होल्डिंग में, ठीक है। और केशव यादव इंदौर मध्य प्रदेश, तो देखिए यहाँ रिलायंस इंफ्रा मेरा निगेटिव व्यू है, मैं सिंपल समझता हूँ। SBI कार्ड पॉजिटिव व्यू है, सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी पॉजिटिव व्यू है, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू है, विजमान नो व्यू है, तीसरा LIC पॉजिटिव व्यू है, लॉस नहीं देगा, हो सकता है आपने ऊपर के भाव पे लिया है, कितना पे लिया, 702 पर लिया है, तो आपको लॉस नहीं देगा, आने वाले समय पॉजिटिव मूवमेंट करेगा लेकिन टाइम लगेगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस ठीक ठाक है, रानी होल्डिंग बहुत बढ़िया है, रिलायंस इंफ्रा मेरा निगेटिव व्यू है, SBI कार्ड पॉजिटिव व्यू है, इसके अलावा एक्शन कंसर्न पॉजिटिव व्यू है, आंध्र प्रदेश नो व्यू है, अशोक लीलैंड यहाँ मार खा गया आप, अशोक लीलैंड में आपकी क्वांटिटी 1 है, आपको 1 क्वांटिटी इसमें रखना ही नहीं चाहिए था, अशोक लीलैंड में इसमें मोर देन क्वांटिटी रखना चाहिए था। खैर ये बहुत बढ़िया है, इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं, बाटा रख सकते हैं, बायोकॉन रखते हैं, इम्बी इंडस्ट्री
अभी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है। तो ये सारे स्टॉक, इसमें दो तीन स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए कि कौन सा स्टॉक मेरे रडार पर नहीं है, जिसको मैं ट्रैक नहीं करता। बाकी कुछ स्टॉक है जिसमें आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, और वो है अशोक लीलैंड। आपने नहीं किया, इसमें आपको कर लेना चाहिए था अशोक लीलैंड में। तो यार बाकी रानी होल्डिंग बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें भी चाहें तो क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं रानी होल्डिंग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम डिविजन से, सेम सेक्टर से एक ही तरह का स्टॉक मत रखिए केशव जी, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि सारे अंडे एक बास्केट में रखेंगे, बास्केट टूटेगा तो सारा अंडा एक साथ टूट जाएगा। तो ये हमेशा ये देखिए अलग अलग बास्केट रखना है, यानी अलग अलग कैटेगरी से स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो ये है केशव यादव जी का मध्य प्रदेश इंदौर से पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया जल्दी, क्योंकि इतने सारे स्टॉक के एनालिसिस करना बैठूंगा तो पूरा शाम हो जाएगा ना। तो ये था दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 182 एपिसोड, और आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, कोई रह गया है क्वेश्चन तो आप मुझे फिर से नेक्स्ट सैटरडे भेजें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और बता दूं वीडियो पे एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। और सेकेंडली अगर आपने अभी तक लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करने का प्रोसेस नहीं किया तो कर सकते हैं, इनरोलमेंट स्टार्ट है। जो लोग इच्छुक हैं 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इनरोलमेंट ले सकते हैं मोबाइल ऐप और मेरे वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।